नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरु जी पर। दोस्तों, आज हम अगेन बात करने वाले हैं यूको बैंक के बारे में। यूको बैंक के ऊपर मैं पहले से दो वीडियो बना चुका हूं, यानी कि सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी यूको बैंक में करंट या फिर सेविंग बैंक अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन किया जाता है। उसके बाद दूसरी वीडियो मैंने बनाई कि यूको बैंक की इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी को ऑनलाइन कैसे स्टार्ट किया जाता है या कैसे उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप अगर चाहें तो वो वीडियोस भी वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूको बैंकिंग की मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी का प्रयोग कैसे किया जाता है और आपके स्मार्टफोन पे मोबाइल बैंकिंग को कैसे चालू किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने एक एक स्टेप को बड़ी ही बारीकी से आप सबको समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। उसके बाद प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में आपको यूको मोबाइल ऐप ये चीज़ आपको यहाँ पे टाइप करनी है और उसके बाद उसको सर्च कर देना है। उसके बाद सबसे पहला रिजल्ट जो यूको एम बैंकिंग की जो ऐप है, सिंपली आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐप जो है डाउनलोड होके आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखिए, इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आप वापस बैक आके सिंपली इस ऐप को ओपन कीजिए। जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ परमिशन मांगेगा, तो सिंपली आपको अलाउ अलाउ करते जाना है, इसको सारी परमिशंस दे देनी है इस ऐप को। उसके बाद सिंपली आप चाहें तो नीचे से यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं ऐप की, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज लिस्ट में है वो यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड की प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपने यूको बैंक में रजिस्टर करवाया हुआ है, तो वो मोबाइल नंबर सिंपली आप ये डाल दीजिए। उसके बाद ओके करेंगे तो ये आपसे ओटीपी पूछेगा, तो उसी मोबाइल पर ओटीपी आएगा यूको बैंक की तरफ से, तो वो ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करके ओके कर देना है। उसके बाद ये आपका अकाउंट नेम दिखा देगा, कन्फर्मेशन के लिए आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने स्क्रीन आएगी। अब इसमें एम पिन और टी पिन डालना है। अब ये दो पिन यूको बैंक की तरफ से आपको दिए जाएंगे, यानी यूको बैंक की तरफ से आपको मैसेज आएगा, उन्हीं मैसेज में आपको ये दोनों पिन मिलेंगे, तो सिंपली आप यहाँ से इनको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। अगर आपके पास ये मैसेज नहीं है तो आप यूको बैंक से अपनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको देंगे। उसके बाद आपको ये दोनों डिश डाल के सिंपली प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपको अब दोबारा से अपना लॉगिन पिन और ट्रांजैक्शन पिन यहाँ पे सेट करना है, तो कोई भी 4 डिजिट का लॉगिन पिन और ट्रांजैक्शन पिन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लॉगिन पिन और ट्रांजैक्शन पिन दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है। सिंपली ये दोनों चीज़ें सेट करके आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, इस पर सिंपली आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे तो अब यहाँ से आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब सिंपली आपने जो लॉगिन पिन 4 डिजिट का सेलेक्ट किया है वो पिन आप यहाँ पे डालेंगे और उसी पिन से आप इन फ्यूचर लॉगिन करेंगे। तो सिंपली जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। अब आप अपनी आईडी में लॉगिन हो चुके हैं मोबाइल बैंकिंग की। अब यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो है बैंकिंग की सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये वीडियो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बनाई है। डिटेल वीडियो जो मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं बाद में बनाऊंगा, अभी फिलहाल इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो छोटी सी प्रोसेस जिससे आप अपनी मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही काम की वीडियोज़ हम आपके लिए रोजाना लेके आते रहते हैं।